Hello and welcome to Suresh Agarwal's Reasoning Mantra. In today's video, I have brought three most important questions based on a ranking test. So, ये जो आज हम तीन question करने वाले हैं ये ranking test पर based हैं और ये जो series है videos की ये है number ranking and time sequence test. So, let's have a look at the first question. According to this question, there are five friends. तो पांच friends हैं यहाँ पर. नेम्स है उनके सचिन कमल मोहन अरुण एंड राम. सो दीज आर द नेम्स ऑफ द फाइव फ्रेंड्स. सचिन इज शॉर्टर देन कमल बट टॉलर देन राम. मोहन इज द टॉलेस्ट. अरुण इज अ लिटिल शॉर्टर देन कमल एंड अ लिटिल टॉलर देन सचिन हु इज द सेकंड टॉलेस्ट. तो हमें इसमें करना क्या है, वी हैव टू अरेंज दीज फ्रेंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर हाइट. हाइट के ऑर्डर में हमने इन्हें अरेंज करना और फिर हमने बताना है कि सेकंड टॉलेस्ट इसमें कौन कौन होगा इन पांचों में से. तो लेट अस ट्राई एंड अरेंज देम अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस गिवन. सचिन इज शॉर्टर देन कमल तो ऑब्वियसली कमल ऊपर आएंगे एंड सचिन विल बी बिलो हिम. सो सचिन इज शॉर्टर देन कमल बट टॉलर देन राम. तो यानी कि जो राम है उनकी हाइट सचिन से भी कम है. मोहन इज द टॉलेस्ट ऑब्वियसली इफ मोहन इज द टॉलेस्ट ही विल बी राइट ऑन टॉप हियर. अरुण इज लिटिल शॉर्टर देन कमल एंड अ लिटिल टॉलर देन सचिन. तो अरुण आ गए यहां पर बीच में क्योंकि कमल से उनकी हाइट कम है लेकिन सचिन से उनकी हाइट थोड़ी ज्यादा है. तो आपसे पूछा क्या गया हु इज द सेकेंड टॉलेस्ट. सेकेंड नंबर पर किसकी हाइट आई, कमल की, राइट. सो द करेक्ट आंसर टू दिस वन विल बी ऑप्शन नंबर सी दैट इज कमल. सो दिस इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन, कमल. सो दिस इज अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन व्हिच अपीयर्ड इन द एसएससी सीजीएल एग्जाम इन द ईयर 2014. सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डिफरेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स एंड बाय चेंजिंग द क्राइटेरिया. लाइक इसमें तो हमें हाइट का पूछा गया था, कभी मार्क्स का हो सकता है, कभी कुछ और अरेंजमेंट का पूछा जा सकता है. फाइव और सिक्स पीपल आर गिवन टू यू एंड यू हैव टू अरेंज देम इन अ पर्टिकुलर सीक्वेंस. And then you have to answer according to what has been asked in the question. So these type of questions are very, very common in different competitive exams. Let us now have a look at the second question. देखिए अब इसमें क्या है? This is about marks. Preeti scored more than Rahul. So Preeti scores more than Rahul. तो हम इसमें क्या करते हैं, हम इसमें प्रीति को ऊपर रखेंगे क्योंकि प्रीति के मार्क्स ज्यादा है राहुल से. So at the top we have Preeti, then we have Rahul. According to the question, Yamuna scored as much as Divya. So Yamuna ke aur Divya ke marks equal hain. Then Lokita scored less than Manju. Rahul scored more than Yamuna. So Rahul scored more than Yamuna. So iska matlab Rahul ke baad kiska number aa jayega? Yahan par aa jayengi Yamuna. Lekin Yamuna ke marks kiske equal hain? Yamuna scored as much as Divya, so that means Yamuna and Divya will be at the same level. Then Manju scored less than Divya, so obviously next we have Manju, क्योंकि Yamuna और Divya के marks तो equal थे, तो Manju के Divya से कम है, तो यानी कि Yamuna से भी कम हुए. So who is left now? Lokita scored less than Manju, तो Lokita के marks तो Manju से भी कम है, तो Lokita will be at the lowest position. Who scored the lowest? ये तो बहुत ही क्लियर हो गया यहाँ पर. लोकिता विल बी द आंसर. लोकिता हैज स्कोर्ड द लीस्ट बिकॉज अकॉर्डिंग टू द गिवन इन्फॉर्मेशन वी हैव अरेंज्ड देम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मार्क्स एंड वी फाइंड दैट लोकिता इज द वन हु हैज स्कोर्ड द लीस्ट. अगेन अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फ्रॉम द एसएससी सीजीएल एग्जाम 2013. लेट अस नाउ हैव अ लुक एट द थर्ड क्वेश्चन. इन अ रो ऑफ बॉयज फेसिंग द नॉर्थ. नाउ दिस इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ अ क्वेश्चन इन विच there's an arrangement of boys in a particular row and we have to find out how many boys in all are there in a particular row. A is 16th from the left. So for this we need to draw a pattern. Let us begin from this. If this is the position of A, A is at the 16th position from the left. Yani ki A se pehle kitne log hai, there are 15 people towards the left of A and A is at the 16th position. So this becomes 15 plus 1, that is 16. Then C is 16th from the right end. So there is another person, C, who is at the 16th position from the right end. So that means again,
15 पीपल आर टुवर्ड्स हिज राइट एंड सी इज एट द 16th स्पॉट, तो 15 प्लस 1 16 हो गया यहां पर. बी हु इज फोर्थ टू द राइट ऑफ ए, सो देयर इज अनदर पर्सन हियर बी इन द मिडिल हु इज फोर्थ टू द राइट ऑफ ए. फोर्थ टू द राइट मतलब क्या हुआ, बीच में कितने लोग आ गए, थ्री पीपल आर देयर एंड एट द फोर्थ स्पॉट वी हैव बी एंड द पर्सन बी इज ऑल्सो फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ सी. तो जो बी है वो सी के फिफ्थ स्पॉट पे है, यानी कि फोर पीपल आर देयर बिटवीन सी एंड बी. तो अब हमने देखना है कितने लोग हैं टोटल, तो हम सिंपली जो नंबर्स मैंने नीचे लिखे इनको एड कर देंगे, विल जस्ट एड देम अप एंड वी गेट टू आर आंसर. 15 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 15, सो व्हाट डू वी गेट, द आंसर हियर इज 40. आप टोटल चेक कर सकते हैं और आंसर आपका आएगा 40. 15 प्लस 15 गिव्स यू 30, देन 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 एंड 40. सो द टोटल हियर इज 40 एंड द करेक्ट आंसर 2 इज 40. सो आई होप यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल. इस तरह के क्वेश्चंस अलग अलग कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में हमेशा से पूछे जाते रहे हैं, पूछे जाते रहेंगे. Practice is the key to success. So this is just a glimpse. If you want to practice, take up questions, pick up as many questions as you can, because the more you practice, the more speed you'll develop. और उससे आपको competitive exams में ऐसे questions को attempt करने में बहुत ही आसानी रहेगी. If you like this video, don't forget to hit the like button and share this with your friends. Also subscribe to our channel if not done yet. Thanks for joining me.